वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। ये बड़ी जरूरी बेनती है, इहनू सुणियो भी, और सुनण तों बाद हर सोशल मीडिया साइट दे उत्ते हर ग्रुप दे विच शेयर जरूर करियो। हर महीने की 20 तरीक नूं असी माता कौलां जी दे गुरद्वारे श्री अमृतसर साहब शुकराना समागम दे लई एकत्रित हुंदे आ। पर इस वारी ये 20 तरीक का जिहड़ा समागम है वह माता कौलां जी दे गुरद्वारे नहीं होएगा। प्यारिओ, बहुत सारिया संगतां दे सानू सुनेहे आ रहे सी, क्योंकि जिवें सारिआं नूं पता है 7 जून तो लैके 16 जुलाई तक 40 दिन का अमृत वेले का समागम रखिया राम तीर्थ रोड विखे। इस करके फिर जिहड़ी रैन सबाई असी जून के महीने करनी सी वह मिस कर रहे सां, पर संगत दे उस तों बाद इन्ने ज़्यादा मैसेज आने शुरू होए कि रैन सबाई मिस ना करो, तो संगत दे हुक्म नूं मंदिया होया यह रैन सबाई समागम 20 मई नूं धन बाबा दीप सिंह जी के पावन पवित्र जन्म अस्थान पौवंड साहब विखे ये रैन सबाई समागम होणगे रात नूं 9 बजे तो अमृत वेले 3 बजे तक। और जिन्हां दा दित्ता असी खाने हाँ, जिन्हां दा दित्ता पहन रहे हैं, और मेरी ये निजी फीलिंग है जिन्हां दे दित्ते असी साह भोग रहे हैं ना, साह लै रहे हैं, उन्हां दे पावन पवित्र जन्म अस्थान के उत्ते ये रैन सबाई का समागम आ रहा। मेरी बेनती अगे मैं कहना हूं 5-5, 10-10 मैंबरां नूं नाल लैके पहुँचो, पर हुण इदां नहीं, तुसी 100-100 मैंबरां नूं बसां कर लो, भावें ट्रक कर लो, गड्डियां दा प्रबंध कर लो, सारे परिवारक मैंबरां ने जो तुसी रोजाना जुड़दे हो ना, तुहाडे चरणां च मेरी बेनती 100-100, 200-200 मैंबरां नूं नाल लैके, क्योंकि जदों असी राम तीर्थ रोड विखे चुपहरा जपतप समागम करते हैं जां कौलसर साहब करते हैं, तुहानूं सब नूं पता है बाबा दीप सिंह जी प्रतख बह के सारिआं दे माड़े कर्मां दे बंधन कट्टदे ने, ते इह रैन सबाई समागम ते हो ही बाबा दीप सिंह जी दे जन्म अस्थान ते रही है। वह जन्म अस्थान जिथे बाबा दीप सिंह जी बचपन के खेडे ने, जिथे बाबा दीप सिंह जी ने बचपन के घालना घालिया ने, यह उ अस्थान है जिस अस्थान तो बाबा दीप सिंह जी फिर आनंदपुर साहब गए बाजा वाले माई के चरणों के अमृत की दात प्राप्त करने वास्ते। कण कण उतों का पवित्र है, आओ सारे रल मिल के बाबा दीप सिंह साहब जी की कमाई में नमस्कार करन दे लई 20 मई नूं रात नूं 9 बजे ये रैन सबाई शुरू होनी है। सारे परिवारक मैंबरां ने 7 बजे तक पहुँच जाना है, सारिया संगतां ने, और फिर चौंकड़े मार के तुसी जो रैन सबाई समागम नूं अटेंड करना है, लंगर प्रसाद पहले ही छक लियो, फिर तकरीबन 8:15 बजे सब ने चौंकड़े मार के बह जाना, 9 तो अमृत वेले 3 बजे तक ये सारा रैन सबाई समागम का आनंद मानना। और मेरा ये निजी विश्वास है, ये बाबा आनंद सिंह साहब के भी बचन ने एक रात तो प्यार दे विच गुरु दे लिखे ला दे, पता नहीं गुरु साहब ने तेरिया किनिया क माड़िया दुखां दियां रातां कट देनियां ने। प्यारिओ, अपने पुठे कर्म सीधे करवाउण दा वेला आ गया जी, बख्शिशां दे नाल झोलियां भरवाउण दा वेला आ गया जी। बाबा दीप सिंह जी दे जन्म अस्थान ते हाजरी भर के बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां लुट्टण दा वेला आ गया। एक एक दी झोली बाबा दीप सिंह जी ने भरनी नहीं उस दिन, ये मेरा विश्वास है, एक एक दी झोली नहीं भरनी, एक एक नूं लखां लखां दीआं झोलियां भरन वाला बना के भेजना। आओ सारे वहीरां कत्त के 20 मई नूं रात नूं 9 तो अमृत वेले 3 बजे तक रैन सबाई समागम होएगा। और विशेष बेनती जिहड़ियां अमृतसर शहर तो आने वाली संगतां ने, जां दूर दुरेडे तो बाहरों आने वाली संगतां ने, जिन्हां नूं इस जगह का नहीं पता, ये भिखी मिंड दे कोल है बाबा दीप सिंह जी का जन्म स्थान, जे कोई कन्फ्यूजन होवे आप जी शाम नूं 6 बजे 20 तरीक शाम नूं 6 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र पहुँच जाओ, उस जगह तो बसां दा गड्डियां दा प्रबंध होएगा तुहानू पौवंड साहब ले जाण दा वी, ते वापसी बीबी कौलां जी भलाई केंद्र छड्डण दा वी। ये मेरी बेनती है प्यारिओ, ये सारा समागम PTC सिमरन दे उत्ते लाइव भी आएगा, साडा जिहड़ा यूट्यूब चैनल है भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल उहदे उत्ते भी लाइव दिखाया जाएगा। जिहड़े बाहर रहण वाले हो ना, टिकटां टुकटां बुक करा लो, बच्चियां दी नहीं छुट्टी छुट्टी करवा लो, कोई फर्क नहीं पैणा, एक दिन आओ बाबा दीप सिंह जी दियां खुशियां लईए, एक रात बाबा दीप सिंह जी दे लेखे ला के शहीद सिंघां दी गोद दे विच अपनी ये रात बिताईए। बाहरों आने वाली संगतां दे चरणां च फिर मेरी बेनती है, जिथों भी तुसी प्यार दे विच आ सकदे हो ना आ जाओ, जहाज दियां टिकटां कराउणियां जहाज दियां करा लो, गड्डी दियां कराउणियां गड्डी दियां करा लो,
पर सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां च बेनती हुम हुम आ के सब ने 20 तरीक नूं जो गुरद्वारा बाबा दीप सिंह जी का जन्म स्थान पौविंड साहब उस जगह ते दर्शन देने की कृपालता करनी। ये सारे समागम मेरे बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब जी भाई गुर इकबाल सिंह जी उन्हां दीआं सीसां और प्रेरणा सदका हो रहे ने। इस समागम का जिहड़ा सुनिया वध तों वध हर ग्रुप दे विच शेयर जरूर करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे अखुन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दा बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार इंदौर दी इस धरती दे उत्ते एकत्रित होया और हो रहा है। गुरु अमरदास ए हाल जिस जगह ते तुसी सारे बैठे हो इधर तको सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। सारी संगत हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब विचों करो गुरु रामदास दे दर्शन आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एडी भावना दे नाल बैठो कि गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच आप हाजर नाजर गुरु रामदास जी चमकड़ा मार के बैठे ने और जिथे गुरु रामदास पिता जी बैठे होण उथे बाबा दीप सिंह जी उन्हां दे चरणां च बैठे हुंदे ने। जदों इस भावना दे नाल बैठोगे कीर्तन करन दा भी स्वाद आएगा कीर्तन सुनन दा भी। आओ 7-8 मिनट वाहिगुरु गुरु मंत्र दा जाप आपां सब ने करना है जिथे जिथे जगह मिले। बहुत वड्डा ये हाल है पर मैनू पता है संगत दे प्यार विच ये भी छोटा ही पैणा। गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी दा संगत दा परिवार ये वधदा ही जाणा महाराज जी दी मेहर नाल। और ये हाल नाल मेरा एक बड़ा पुराना जिहा रिश्ता है। मैनू याद है इस हाल की जिहड़ी नींह उदास ने रखी सी इहदी नींह मक्कड़ जी हुंदे सी उह उदास ते सिंह साहब जी आपां रल के इहदी जो नींह रखी सी इस हाल की बहुत साल पुरानी गल है। ते आओ पिता जी ने विध बनाई उसे जगह दे उत्ते इह समावां लै रहे ने। सारी संगत हाजरी लायो कोई रसना वांझी ना रहे। तुसीं सारे परिवारक मैंबर हो कहण की लोड़ ही नहीं पैनी मैनू सब ने कीर्तन करना है। ये मेरी बेनती है जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे वाहे गुरु
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नन कोसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नन कोसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप सरे आद सच जुगाद सच है भी सच नन होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नन कोसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नन खुशी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नन होसी भी सच तन गुरु रामदास जी मैं तेरा 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा वाहे गुरु वाहे गुरु सरे वाहे गुरु 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 सारा हाल मुझे गुंजा पाओ वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
गुरु वाहेगुरु 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 शब्द पढ़न तो पहला बेनती करते हैं सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है वो बेनती करके अपन शब्द पढ़ांगे। इस वक्त यह सारा समागम साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते भी लाइव शुरू हो चुके हैं। बेअंत संगत इत्थे दर्शन कर रही ने गुरु पिता के बेअंत संगत यूट्यूब के माध्यम राही जुड़िया ने। जिहड़े यूट्यूब के माध्यम राही जुड़े मैं बेनती करदा दसा दसा वीहां नूं इह लिंक शेयर कर दिओ तां जो होर संगत गुरु चरणां नाल जुड़ सके और तुसी भी बाद विच भी घर जाके भी यह सारा समागम
यूट्यूब चैनल के उत्ते देख सकते हो भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल पर और इन्हों सबसक्राइब भी जरूर करो बेनती। आओ मैं गल की शुरुआत करा, एक बार पूछ ला इंदौर वाले हो चढ़ती कला च हो सत श्री अकाल वेखो जड़ियां जेड़ियां संगतां रोजाना दोपहरी तीन तीन चार और राती दस तो ग्यारह पीटीसी सिमरन के माध्यम राही जुड़दियां ने उन्हां नूं पता है जदों मैं कहना चढ़ती कला च उह तुसीं जकारा ला के फिर चढ़ती कला च बैठे होण दा सबूत देना सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है। तो खैर जे तुहाडे पैर गल सुनियो ध्यान नाल जे तुहाडे पैर तुहानू सेवा वल ते सत संग विच नहीं ना लेके जांदे फिर मैं दोहरा रहा जे तुहाडे पैर तुहानू सेवा वल सत संग वल नहीं लेके जांदे ते प्यारेओ ए पैरां तों कदी वी ए उम्मीद ना रखियो ए तुहानू 84 दे वी पार लै जाणगे। आखो वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। ए मेरी बेनती है जे बापू जी ने ए शरीर दिता है ना पैर दिते ने ए सतसंग वाले पासे आओ सेवा वाले पासे जाण सुनियो इहदे नाल होएगा पता की जदों तेरे पैर संगत विच आउणगे जदों तेरे पैर सेवा वल वधणगे ते प्यारे आ एडी बख्शिश गुरु रामदास बाबा दीप सिंह तेरे उत्ते करणगे तेरियां झोलियां ते भरणगे ही भरणगे तैनू लखां लखां दियां झोलियां भरण वाला बना देणगे। गुरु ने तुहानू उद्दम दिता तुसी सारे जाने अपने पैरां नाल चल के आ सतसंग दे मंडल विच आ गए ते एक मेरी बेनती है जदों भी संगत दे विच आओ एडी तगड़ी भावना बना के आया करो एडी तगड़ी भावना बना के कि ए ओही घड़ियां ने ओही घड़ियां जिन्ना घड़ियां दा सदका मेरे घर दे विच बरकत पैणी है ए ओही घड़ियां ने जिन्ना घड़ियां दा सदका गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणां नाल मेरी नेड़ता वधणी है ए ओही घड़ियां ने जिन्ना घड़ियां दा सदका जिथे मेरे रुके हुए कम चलने ने ना उथे मेरे बच्चियां दी बुद्धि भी सही होनी है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी और एक एक सैकेंड यतन करो जदों संगत विच बह गए एक एक सैकेंड गुरु चरणा दी जो याद दे विच बीते याद विच इत्थे आ के कदी भी मोबाइल नहीं चलाउणे फेसबुक आ व्हाट्सएप आ चीजां नहीं हाँ शब्द पढ़न लई कढ़े आ मोबाइल ओह गल वक्खरी तूं बचन कोई रिकॉर्ड कर रहे ओह गल वक्खरी पर उदां करने सुनने नहीं मोबाइल क्योंकि ये ओहो ही समय जिस समय ने इत्थे ते मेरी सहायता करनी करनी है इसे समय दा सदका दरगाह विच भी गुरु रामदास ने मेरी बांह फड़ के रखनी है। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी ओ वही समय जिस समय दा सदका इत्थे ते लोक दे विच ते पैज रखनी रखनी मारे ने मेरी मेरे सारे कम सवारने ने सारे कम मेरे सारे कम्मां दी चिंता उन्होंने अपनी झोली च पवा लेनी है पर ए ओ समय जिस समय दे नाल लोक दे ते मेरे कार्ज सवरने ही सवरने ने पर लोक विच भी बाबा दीप सिंह ने मेरी बांह फड़ के रखनी है। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह बस आ एक एक सैकेंड गुरु पिता दी याद दे विच बीते मेरी बेनती है बेनती अगली गल सुनो ध्यान ना आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी स्वयं नूं शिक्षक बना के अपने आप नूं शिक्षक बना के अपने आप नूं शिक्षक बना के अपने आप नूं सिखिया देनी
एहो ही सर्व श्रेष्ठ ज्ञान है। अपने आप नूं शिक्षक बना के अपने आप नूं सिख्या दिया करो और नेता प्रति हर पल अपने आप नूं शिक्षक बना के रखो। शिक्षक की जिहड़ा हर वेले सीखना चाहुंदा है। तां ही ते बाबे नानक ने सानूं नाम दे दिता सिख, मरदे दम तक सिख। मैं एक दिन ज्ञानी संत सिंह मस्कीन उन्हां दी टेप सुन रहा सां, कहिंदे जिहड़ा इह कहिंदा ना मैं सिख गया, कहिंदे सब तो वड्डा झूठा है। वह आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। जिहड़ा कहिंदा ना मैं सिख गया, मैनूं बड़ा ही ज्ञान हो गया, कहिंदे सब तो वड्डा दुनिया दा झूठा बंदा है, क्योंकि गुरु नानक ने सानू सिख बनाया। भावें तेरी 80 साल की भी उम्र है, 90 साल की भी उम्र है, भावें मरण कंडे भी पै गए ना, तां भी कुछ तू बनया नहीं, तां भी कुछ सिख। सिख अपने आप नू शिक्षक बना के, शिक्षक बना के अपने आप नू रोज सिक्ख्या देनी, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। माफी देना, असी ते दूजियां नू सिक्ख्या देण ते लगे रहने हर वेले। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ओ दूजियां नू सिक्ख्यावां घट दिओ, जो सिक्ख्यावां ने ना उहनां नू अपने जीवन विच धारण दा ज्यादा यतन करो। हुण मैं ही आ, मेरी ड्यूटी है, सुनियो ध्यान नाल। मैनू महाराज ने किरत यह दिती है, मैनू महाराज ने यह सेवा बख्शी है, महाराज ने यह मैनू गुण दिता, यह तौफीक दिती है, मेरी यह ड्यूटी लाई है कि मैं स्टेज पर बह के बोलना है। पर स्टेज पर बोलण वालियां दे अंदर भी आही चीज होवे मेरे वर्गियां दे अंदर, कि जो बोलना है ना यतन करना है, बोलन तो पहले आप भी कमाउना है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। गल ते तां बनेगी, मैं तुहानू ही टारगेट करके कही जावां, आ करो जी, आओ करो जी, इदां करो जी, उदां करो जी, आप कुछ करां ना, फिर महाराज वालों मैनू भी तो ताड़ना होएगी ना। भावें मेरी ड्यूटी इत्थे बोलण दी लगी है, पर मैं भी सिखण वाला ही हाँ। चौकीदार हुंदा ते बंदा ही है ना, उहदी ड्यूटी लगी जागते रहो बोलण दी, पर है ते इंसान। मेरी ड्यूटी लगी है तुहानू हलूणा देण दी, पर मैं भी तुहाडे कोलों नित नवां सिखदा वां। जदों दा असीं इह 3 तों 4 वाला प्रोग्राम शुरू कीता है 20 अप्रैल, वाहिगुरू 7 अप्रैल 2020 असीं इह प्रोग्राम शुरू कीता सी, 3 साल हो गए जदों इह प्रोग्राम मैं शुरू कीता, ते जदों कीर्तन ते बहिंदे सां ना इक्को भावना बना के बहिंदे सां कि महाराज इस वेले होर तो कोई बैठा नहीं होया ना, स्टूडियो दे विच असीं 5 जाने बहने सा, करोना का पूरा जोर से, महाराज असीं 5-6 जाने बैठे हाँ, संगतां लखां दे हिसाब नाल अपने घरां च बैठियां ने। एक भावना बना के मैं बहना शुरू किया लाइव दे विच कि महाराज मैं किसी नूं सिक्ख्या देण वास्ते नहीं बह रहा, मैं सिखण वास्ते बह रहा। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। मैं सिखण वास्ते बह रहा, जो मैं नित नवी गल सुणावां, क्योंकि मेरा एक सुभा है 100 चों 99% मैं कोशिश यो ही करता कि नित नवी गल्ला सुनावा, बहुत घट कोई गल रिपीट होंगी है। महाराज मैं नित नवी गल्ला सुनावा, ते कल्ला सुनाउन तक सीमित ना होने, गल्ला कमाउन तक भी सीमित होना। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। शिक्षक बनो, शिक्षक बन के अपने आप नूं सिख्या दिओ, इहो ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। अगली गल सुन लो, फिर अपना शब्द पढ़ना। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इंदौर वाले हो, चढ़दी कला च हो, सत श्री अकाल। ए भैणा चढ़दी कला च ने, इन्हां ने जवाब दोनों बारी दिता, तुसी ढिले हो। सत श्री अकाल। अगली गल सुनो ध्यान नाल, फिर अपन शब्द पढ़ांगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी, धन बाबा दीप सिंह जी। बंदे दा असली चरित्र उदों पता लगदा है, असली करैक्टर, असली चरित्र उदों पता लगदा जदों वह नशे च हुंदा है। गल सुन लो, फिर मैं दोहरा रहा, बंदे दा असली चरित्र उदों पता लगदा है जदों वह नशे च हुंदा है। भावें वह नशा प्यारे धन दा होवे, पैसे दा होवे, भावें वह नशा अपने अहुदे दा होवे,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਧਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਅਹੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖ, ਅਹੁਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਰੂਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਘੁੰਡੀ ਏ, ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਜਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਜਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਜਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਜਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਝੁਕਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਝੁਕਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਝੁਕਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਆ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਜਾ, ਝੁਕਦਾ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਝੁਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਝੁਕਣ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣ ਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ,
जिदे कोल निमाणा पन आ गया बाबा आनंद सिंह जी कहिंदे कहिंदे सारे बाकी दे गुण उहदे मगर आपे ही आ जांदे ने। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल एक बारी फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास पिता जी का उच्चारण किया होया शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 735 नंबर अंग दे उत्ते, अंग मैं लफज बोलना अंक नहीं, जिवें साडे शरीर दे अंग ने गुरु पिता दे अंग ने, गुरु ग्रंथ जी माने ऐ प्रगट गुरां की दे, गुरु ग्रंथ जी माने ओ प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिले ओ चहै खोज शब्द मैं, जिवें साडे अंग ने गुरु पिता दे भी अंग ने। 735 नंबर अंग दे उत्ते ए शब्द दर्ज, शब्द मैं होर थाउ नहीं जिस पे करूं बेनंते, मेरा दुख सुख तुझकी पासे। आओ जिन्हां दे कोल मोबाइल ने गुरबाणी डाउनलोड कीती ए शब्द बेशक कढ लो, उदां करने सुनने नहीं ए चीज दा ध्यान रखियो, पर शब्द पढ़न वास्ते सहारा जे लै सकदे लै लो। ये शब्द पढ़ना है, ये शब्द दे विच सतगुरु गुरु रामदास सानू की सिखिया दे रहे ने, अज ओ विचार आपां सांझियां करांगे। बापू जी सेवा लै, सारी संगत मेरी बेनती गज के कीर्तन करो जिथे जिथे जगह मिले। इधर वीरां वल हुण बहिण की जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा भावें गां गां हो जाओ, नाल नाल हो जाओ, गोडा उठाओ तो संगत नूं भाओ, थोड़ा थोड़ा नाल नाल हो जाओ, तो आओ बड़े प्यार दे विच सारी संगत हाजरियां लाओ, कोई रसना वांझी ना रहे जी। थाओ नहीं जिस पे करूं बेनती, बड़े बड़े मैं हो थाओ नहीं जिस पे करूं बेनती, सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मैं होर थाउ नहीं जिस पे करूं बेनती, मैं होर थाउ नहीं जिस पे सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मैं होर थाउ नहीं जिस पे करूं बेनती, पढ़ो मैं होर थाउ जिस पे करूं बेनती, करूं बेनती। धन गुरु रामदास जी साहिब गुणी निधाना
सुख तुझे ही पासे मेरा दुख सुख तुझे ही पासे और ठाउ नहीं जिस पे करो विनती मैं और ठाउ नहीं जिस पे करो विनती करो विनती करो मैं तुद आके अरदास
करके बोलो आही सच खंड है सच्ची गल है तुसी बोलदे हो ना तुहाडे विचों गुरु रामदास बोलदे ने तुहाडे विचों बाबा दीप सिंह बोलदे ने विच संगत हर प्रभु वसे जीओ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 5-5, 10-10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 100-100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, 100-100, 200-200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਣ ਕਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛਕ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 ਵਜੇ ਸਭ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, 9 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਭਿੱਖੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ, 20 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ,
हुम हुम आ के सब ने 20 तरीक नूं जो गुरद्वारा बाबा दीप सिंह जी का जन्म स्थान पौविंड साहब उस जगह पर दर्शन देने की कृपालता करनी। ये सारे समागम मेरे बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब जी भाई गुर इकबाल सिंह जी उन्हां दीआं सीसां और प्रेरणा सदका हो रहे हैं। इस समागम का जिहड़ा सुनिया वध तो वध हर ग्रुप के शेयर जरूर करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरों अज मैं वधाई देन वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा गोपालपुरा बटाला रोड यूनिट नंबर 3 20 तरीक नूं जो उहदी रजिस्ट्री सी गुरु पिता जी ने कृपा की है सारी संगत ने असीस दिती जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की कृपा दे नाल जा चुकी जो तुसीं किणका किणका देते हो क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती 25,000 गज जगह और 2500 रुपया गज की सेवा तो अद्धी पेमेंट जिहड़ी उहदे लई असीं उहनां कोलों 3 महीने का होर टाइम लिया। ये रजिस्ट्री जिहड़ी 20 अप्रैल नूं होनी सी अद्धी पेमेंट चली गई हुण जिहड़ी अद्धी पेमेंट है वह 20 जुलाई तक असीं उहनां नूं देनी है और फिर उस तो बाद इस जगह की रजिस्ट्री होएगी। जड़े जड़े प्रेमिया ने बहुत सहयोग दिता तुहानू भी और जिन्होंने अजे तक सहयोग इस भूमि दान विच हिस्सा नहीं पाया तुहानू भी मैं बेनती करदा आप जी वध तो वध जोर लायो ता जो ये रजिस्ट्री 20 जुलाई तक हो सके। और तुहानू दसदिया होया मैनू खुशी महसूस हो रही है कि जो जी दया प्रवान पार्क जो महाराज जी की कृपा नाल बन रहा है बिल्कुल हुण थोड़ा जिहा कम रह गया बिल्कुल नेड़े हैं उहदे मुहूर्त दे समय दे और नाल ही जो संगत दी रहायश वास्ते सराह बन रही है उहदा कार्ज भी पूरी तेजी नाल चल रहा और बटाला रोड जिहड़ा यूनिट नंबर 3 है जिहदी रजिस्ट्री हुण 20 जुलाई नूं होएगी उत्थे भी बड़ी तेजी दे नाल सारे सेवावां दे कार्य शुरू हो चुके ने। हर पक्ष तों मैं आप जी की असीस ते बख्शीश की आस रखदा। मेरी बेनती है भुल्यो ना 20 जुलाई नूं जो अद्धी पेमेंट रह गई है बटाला रोड वाली जगह की उहदी रजिस्ट्री होएगी अद्धी पेमेंट असी 20 जुलाई तक देनी है। पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ भी दिओ एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो और इस भूमि दान दे विच वड्डे दान दे विच क्योंकि ये वड्डा दान हुंदा भूमि दान इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तों वध सहयोग भी दिओ। पूरी अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है आप जी स्क्रीनशॉट लै लो और अपनी सेवा इन अकाउंटा दे विच आप जी पा सकते हो और सेवा पाउण तों बाद आप जी सानू हेठां दित्ते नंबरां दे उत्ते जो अपना मैसेज कर देना तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक भेजिया जा सके। अपनी सेवा तुसीं सानू गूगल पे पेटीएम फोनपे भी कर सकते हो 98150 99513 नंबर ते 9815089513 इस नंबर ते आप जी अपनी सेवा सानू तुसीं फोनपे गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करना भुल्यो ना 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दिओ जिन्ना जोर ला सकते हो ता जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल काम हो जाए और होएगा उदों ही जदों तुसीं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की